हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। आप जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर, ये देखिए, ऐसा ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। पीरे वर्नियर ने इसे 1631 में इन्वेंट किया था। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा आज इसकी सारी डिटेल्स। किसने इन्वेंट किया था बच्चों? पीरे वर्नियर ने इन्वेंट किया था। कब किया था बच्चों? 1631 में। अब ये वर्नियर कैलिपर काम कैसे करता है, इससे हम क्या क्या मेज़र कर सकते हैं, आपको मैं आज बताने वाला हूँ। देखिए बच्चों, होता क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रू रहता है। ठीक है, ये स्क्रू को हम ऊपर से लूज़ करके, आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में मैंने इसे यहाँ रिप्रेजेंट किया है, और ये ऐसे स्लाइडर की हेल्प से हम इसे स्लाइड कर देते हैं। बच्चों ये आपके रहते हैं दो लोअर जॉज, और ये दोनों ऊपर वाले रहते हैं बच्चों अपर जॉज। छोटा सा रहता है बीच में वर्नियर स्केल, और यहाँ मेन स्केल रहता है, पीछे एक पिचिंग रोड है। आप देखेंगे ये छोटा सा स्केल, वर्नियर स्केल यहाँ पर दिख रहा होगा आपको बीच में, और ये पूरा मेन स्केल रहता है। ठीक है, ये स्क्रू है, ये लोअर जॉज हैं और ये अपर जॉज हैं बच्चों, ये पिचिंग रोड है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप अच्छे से देख पाएंगे कि यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये छोटी छोटी कुछ डिविजन्स बनी हुई हैं, जिसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल की डिविजन्स। ये छोटी छोटी जो डिविजन्स आपको दिख रही होंगी, इसे हम वर्नियर स्केल की डिविजन्स कहते हैं। और बच्चों यहाँ पर जो आपको डिविजन्स दिख रही हैं, ये मेन स्केल की डिविजन्स हैं, मेन स्केल की डिविजन्स। ठीक है, ये छोटी सी हैं वर्नियर स्केल की डिविजन्स, और ये हैं बच्चों सारी मेन स्केल की डिविजन्स। ये इसके ऊपर ऐसे स्लाइड कर सकता है, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ फिट करते हैं उसके साइज़ के हिसाब से, फिर इसे यहाँ एडजस्ट करके स्क्रू को टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारी ऑब्जेक्ट को यहाँ फिटिंग करके और स्क्रू को टाइट करके हम रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो जो ये वर्नियर साहब थे जिन्होंने इन्वेंट किया था वर्नियर कैलिपर को 1631 में, क्या यूज़ के लिए इसे इन्वेंट किया गया था, आइए सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वर्नियर कैलिपर से हम क्या क्या मेज़र कर सकते हैं। बच्चों इसके जो यूजेज हैं, आप इससे जनरली लेंथ या ब्रेथ या हाइट मेज़र करते हैं, तो हम यहां लिख देते हैं मेजर लेंथ। ब्रेथ या हाइट भी मेजर की जा सकती है लेंथ मेजर करने के लिए, किसकी? स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स की, छोटे ऑब्जेक्ट्स, है ना, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, वो भी कैसे? रेगुलर शेप के होने चाहिए आपके वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, इररेगुलर शेप के नहीं हो सकते। ठीक है, उसमें फिर ये मेज़र नहीं कर पाएगा। तो ये है लेंथ ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को मेज़र करने के लिए इसका फर्स्ट यूज़। फिर दूसरा यूज़ बच्चों इसका, डायमीटर मेज़र करके भी, टू मेज़र डायमीटर, डायमीटर भी हम इससे मेज़र कर सकते हैं। किसका डायमीटर? स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स का, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स। तो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स का डायमीटर मेज़र करना इसका एक अनदर यूज़ है। और आप कभी कभी डेप्थ भी मेज़र कर सकते हैं, डेप्थ किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की, अगर आपको डेप्थ मेज़र करनी है तो वो भी वर्नियर कैलिपर की हेल्प से की जा सकती है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, इसका मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे देखी जाती है, और फिर बाद में देखेंगे कि ज़ीरो एरर अगर किसी डिवाइस में होगा तो वो ज़ीरो एरर को हमने रीडिंग में कैसे कंपनसेट करना है। ठीक है, तो आप पहले इसे स्क्रीन को यहाँ पॉज करके अच्छे से इसे नोट कर लीजिए, और फिर मैं आपको इसके लीस्ट काउंट निकालना सिखाता हूँ। ठीक है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। तो आइए बच्चों, अब हम इसका लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर में। बच्चों अगर मैं ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल पे आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम ऐसे बना के दिखाता हूँ, ये देखिए,
मान लीजिए ये है हमारे पास मेन स्केल और यहाँ पर मान लीजिए ये वर्नियर स्केल की मैं ज़ीरो दिखा देता हूँ, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये मैंने दिखा दिया है बच्चों वर्नियर स्केल और वो मैंने दिखाया है बच्चों मेन स्केल। अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने उस डायग्राम में से दोनों, ये मेन डायग्राम में से हमने क्या किया है बच्चों, दोनों स्केल को अलग से रिप्रेजेंट कर दिया है। नीचे मैंने वर्नियर स्केल थोड़ा बड़ा बड़ा करके बना दिया है और ऊपर मैंने मेन स्केल की डिविजन्स दिखा दी हैं। अब बच्चों होता क्या है कि वर्नियर स्केल की जो डिविजन्स होती हैं ना, ये थोड़ी छोटी छोटी रहती हैं, थोड़ी छोटी छोटी रहती हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, आप देखिए इस डायग्राम में मेन स्केल की तो यहाँ से यहाँ तक 9 ही डिविजन्स आई हैं, 9 डिविजन्स मेन स्केल की, और इतने ही डिस्टेंस में वर्नियर स्केल की 10 डिविजन्स आ गई हैं। ठीक है, तो वर्नियर स्केल की डिविजन्स थोड़ी छोटी छोटी हैं। ईच डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन द मेन स्केल। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है पर जनरली ऐसा रहता है। ठीक है, अब हमें लीस्ट काउंट कैसे पता चलेगा बच्चों? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बच्चों ऐसे निकलेगा, देखिए मेन स्केल डिवीजन में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको वर्नियर स्केल डिवीजन, ये आपके लिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है। अब सबसे पहले तो बात आती है कि लीस्ट काउंट होता क्या है। सब हम जानते हैं कि लीस्ट का मतलब है स्मॉलेस्ट, है ना, तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो उस डिवाइस की हेल्प से की जा सकती है, वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे हम सबसे छोटा कितना मेजर कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम दैट डिवाइस। ठीक है, तो वो हमारे लिए रहता है लीस्ट काउंट। अगर हम लीस्ट काउंट को थोड़ा समझने की कोशिश करें, यहाँ पर मैं जूम करूँ तो आपको दिखाई देगा बच्चों, अगर देखिए 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 समझने के लिए, अगर इतनी है हमारी एक मेन स्केल की डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन अगर इतनी है, और सपोज कीजिए बच्चों वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है, एक वर्नियर स्केल की डिवीजन मान लीजिए इतनी है 1 VSD, तो बच्चों ये जो बच गया ना, ये है हमारा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट यानी मेन स्केल डिवीजन में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए वर्नियर स्केल, इतने में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लीस्ट काउंट आ जाएगा। लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला मैंने बताया, मेन स्केल डिवीजन में से आप वर्नियर स्केल की एक डिवीजन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके लिए ये स्मॉलेस्ट मेजरमेंट आ जाएगी जो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम ले सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ये स्मॉलेस्ट मेजरमेंट हमारे लिए कहलाएगी लीस्ट काउंट। एक मेन स्केल की डिवीजन और एक वर्नियर स्केल की डिवीजन, उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बड़े में से छोटे वाली डिवीजन को सब्ट्रैक्ट करके लीस्ट काउंट आ जाएगा। ठीक है, आप इसे पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद अच्छे से नोट कर लीजिए कि लीस्ट काउंट हम इस मेथड से निकालेंगे। ठीक है, और बच्चों इसमें अब एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि मेन स्केल जो रहता है, मेन स्केल जो रहता है वर्नियर में, उसमें तो बच्चों लिखा होता है कि सेंटीमीटर में है डिविजन्स, यहाँ पर मेन स्केल के ऐसे सेंटीमीटर लिखा रहता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है जनरली कि मेन स्केल की ईच डिवीजन जो है उसमें 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर 10 डिविजन्स में डिवाइडेड है। मान लीजिए कि आप इसको काउंट करके यहाँ पर देखते हैं तो ये देखिए 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का हो गया, 1 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं छोटी छोटी 10 डिविजन्स में डिवाइडेड है, देखिए ऐसे छोटी 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 10 में डिवाइडेड है 1, ऐसा मेन स्केल पर तो सेंटीमीटर लिखा रहता है। पर प्रॉब्लम क्या है बच्चों, वर्नियर स्केल होता है जो, ये छोटे वाला जो होता है, इसमें कहीं नहीं लिखा होता कि सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है। उसकी वजह से क्या होता है, आप ये VSD अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से देखकर तो लिख नहीं पाएंगे। मेन स्केल में तो लिखा रहता है कि सेंटीमीटर है, आपको पता चल जाता है कि एक मेन स्केल की डिवीजन कितने हो गई, 1/10 हो गई, ठीक है सेंटीमीटर में। लेकिन बच्चों वर्नियर स्केल की डिवीजन पर कुछ भी यहाँ प्रिंटेड नहीं रहता, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, हमें वर्नियर स्केल की ये VSD को इन टर्म्स ऑफ MSD पहले लाना पड़ेगा।
क्योंकि मैं VSD को इंस्ट्रूमेंट से देख के तो नहीं लिख सकता, क्योंकि उस पर प्रिंटेड ही नहीं है कि वो सेंटीमीटर में है या mm में है, ठीक है। तो मुझे VSD पहले सॉल्व करके लाना पड़ेगा, तभी ये फॉर्मूले में से सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, MSD में से VSD सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, क्योंकि MSD आपको पता है सेंटीमीटर में लिखा रहता है लेकिन VSD पर लिखा नहीं होता। तो इसके लिए पहले आपको VSD सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ MSD, तभी ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे और तभी हमारे पास लीस्ट काउंट आएगा, ठीक है। आप इसे पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको इसमें आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आइए बच्चों, अब मैं आपको इसमें सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लीस्ट काउंट को सॉल्व करते हैं या ये VSD को इन टर्म्स ऑफ MSD हम कैसे लेकर आते हैं, ठीक है। बच्चों अगर n वर्नियर स्केल डिविजन्स इक्वल हैं m मेन स्केल डिविजन्स के, जैसे मैंने यहाँ जो डायग्राम दिखाया है उसमें मेन स्केल की 9 डिविजन्स इक्वल टू 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल है, पर हर बार ये 10 और 9 का कॉम्बिनेशन तो नहीं होगा। कभी कभी आपके सामने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि वो 10 और 9 ना बोल करके अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज दे देगा, तब हमें क्या करना है। इसलिए हम जनरलाइज रिजल्ट निकालना चाहते हैं। जनरल रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा, आइए। मैंने मान लिया बच्चों कि अगर n वर्नियर स्केल डिविजन्स इक्वल हैं, उतने ही डिस्टेंस में वर्नियर स्केल की n डिविजन्स आ रही हैं और उतने ही डिस्टेंस में मेन स्केल की m डिविजन्स आ रही हैं, तो बच्चों VSD किसके इक्वल होगा, VSD किसके इक्वल होगा, m बाय n MSD। बच्चों अगर मैं VSD की ये वैल्यू उठाकर लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा, जो कि होता था MSD माइनस VSD। चलिए VSD की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो लीस्ट काउंट क्या आएगा बच्चों, 1 MSD माइनस VSD की वैल्यू यहां से पुट हो जाएगी m बाय n MSD। अगर मैं MSD को यहां से कॉमन निकाल लेता हूं बच्चों तो क्या बचेगा, 1 माइनस m बाय n, ये हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया, ठीक है। ये देखिए कैसे आया बच्चों, मैंने VSD की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ MSD पुट कर दी है। कैसे निकाली मैंने VSD, अगर n VSD इक्वल टू m VSD है, यानी उतने गैप में मेन स्केल की m डिविजन्स हैं और वर्नियर की मान लो n है, तो ईच VSD 1 VSD किसके इक्वल होगा, m बाय n MSD। तो मैंने यहाँ पर VSD की जगह पुट कर दिया m बाय n MSD। तो बच्चों यहाँ से MSD कॉमन आ गया, 1 माइनस m बाय n मेरे पास रह गया, ये मेरा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है। लीस्ट काउंट में हमेशा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं और जो कि बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन करके आया है, आप चाहो तो ये प्रोसेस को भी समझ कर जा सकते हो एग्जाम में, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। अगर किसी ऑर्डिनरी कैलिपर में ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर 10 VSD इक्वल होते हैं 9 MSD के, तो बच्चों आप इस m की जगह पर 9 पुट कर सकते हैं और इस n की जगह पर 10 पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। m मेन स्केल वाला कौन था, m, तो m कितना है, अगर ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर में जैसे मैंने यहाँ पर जो पिक्चर बनाई है उसमें भी 10 और 9 का कॉम्बिनेशन है, तो आप मेन स्केल वाले m की जगह पर 9 यहाँ पुट कर सकते हैं और वर्नियर स्केल वाले 10 की जगह पर यहाँ ये 10। पर बच्चों हमेशा 10 और 9 का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में दिया जाएगा कि कितना वर्नियर स्केल डिवीजन कितने मेन स्केल डिवीजन के साथ मैच करता है, या आपको दिया जाएगा कि कितना मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना वर्नियर स्केल डिवीजन है, ठीक है। जनरली ये डाटा जो हमारे स्कूल लैब्स में इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें 10 और 9 रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 10 और 9 पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पर हमेशा फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने ये आपको अलग से लिख के दिया है। ऑर्नियर
ये ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर के लिए ऐसा रहता है। आप नोट कर लीजिए बच्चों इसको, हमेशा जो जनरल फॉर्मूला है वो ये रहेगा, ये आपको अप्लाई करना है लीस्ट काउंट के लिए। स्क्रीन को आराम से पॉज कीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, लीस्ट काउंट के बाद हम चलते हैं कि रीडिंग कैसे ली जाती है किसी भी वर्नियर कैलिपर की हेल्प से। आइए, रीडिंग कैसे ली जाती है। बच्चों फाइनल रीडिंग जो रहती है ना, फाइनल रीडिंग वो आपकी रहेगी हमेशा, MSR यानी मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR, क्योंकि आप जानते हैं इस कैलिपर में दो स्केल्स हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो हमारी जो फाइनल रीडिंग रहेगी